प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 11, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब इस पाठ के शीर्षक से पता लग रहा है कि इस पाठ में बताया गया है पूरी की पूरी सिनेमा के बारे में, कि सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी और किस प्रकार से पहली फिल्म का निर्माण किया गया था और पहली बोलती फिल्म थी या फिर चलचित्र, जो भी इसके बारे में बताया गया है। तो सिनेमा की शुरुआत के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, क्योंकि सारी फिल्में हम बोलते हुए सुनते हैं। लिखने में तो आपने कभी कोई फिल्म नहीं देखी होगी, आपने सभी जो भी फिल्में हैं वो सभी बोलते हुए सुनी है। तो इस प्रकार सिनेमा ने बोलना सीखा, तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा उस समय का बता रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। अब किसके बारे में बताया जा रहा है? कैमरे के बारे में, सिनेमा के बारे में। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों का विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी 14 मार्च। अब ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी आलम आरा, सबसे पहली बोलती फिल्म आई थी हमारे इंडिया में आलम आरा नाम से। जिस आलम आरा उसमें जो पोस्टर था, उसका विज्ञापन था जो छपता है होल्डिंग, क्या आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी नई फिल्म लगती है तो उसका बैनर छपता है, तो वो बैनर आप देखते हो कि हाँ ये इस तारीख को ये फिल्म रिलीज होगी। तो इसी प्रकार से आलम आरा का विज्ञापन छपा था और उस विज्ञापन में ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। क्योंकि पहली फिल्म है और उस फिल्म को टीवी में दिखाया जा रहा है और टीवी पर सभी जो वो आदमी है, जो औरत है, वो सभी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस विज्ञापन में ये लिखा है क्योंकि ये सबसे पहली फिल्म थी, तो लोगों को फिल्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि फिल्में कैसी होती है। 14 मार्च 1931 यानी 14 मार्च 1931 को की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन है। भारतीय सिनेमा में 14 मार्च 1931 ने अपना जो ये सिनेमा है ये शुरुआत किया था। इसी दिन पहली बार भारत ने सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मुख सिनेमा यानी मुख से बोले जाने वाला मौन रहकर। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख फिल्में भी इसी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यानी बोलती फिल्में भी मुख फिल्में जिनमें कोई बोलता नहीं था, आप केवल उनके एक्सप्रेशन देख सकते हो, उनके हाव भाव देख सकते हो, हाथों का पैर इशारा देख सकते हो, लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते, मौन फिल्में जो होती थी। लेकिन उसके बाद में मगर बोलती फिल्मों का भी नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अब उनका नाम क्या था? अर्देशिर एम ईरानी। ये आपको नाम याद रखना होगा कि पहली भारत में बोलती फिल्म बनने के निर्देशक कौन थे। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बॉट देखी थी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा सुनाई, यानी फिल्म के जो फिल्म का जो पूरा जो डायलॉग होने चाहिए वो पूरी पटकथा बनाई उन्होंने। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। यानी जब पहली मूवी आई थी, पहली फिल्म आई थी हमारे भारत में, तो उस समय वो निर्देशक कह रहे हैं अर्देशिर जी कि उनके पास कोई भी संवाद लेखक नहीं था जो आपस में बातचीत करके बता सके कि इस प्रकार की लाइनें होनी चाहिए फिल्म में। हमारे पास कोई गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी उन्होंने स्वयं ही धुन उस फिल्म में डाली है। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3, महज यानी कि सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया था, जो कि था तबला, हारमोनियम और वायलिन, और इसी पर निर्देशक ने अपनी धुन लगाई। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने डब्ल्यू एम खान। पहला गाना था
दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। यानी आलम आरा का ये सबसे पहला, आलम आरा फिल्म भी पहली और ये सबसे पहला गाना भी, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। और ये मूवी कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। साउंड के कारण, यानी पूरे दिन तो चहल पहल रहती थी, लोगों का आना जाना, शोर शराबा रहता था, तो फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाते थे। इस कारण से फिल्म की शूटिंग रात को ही करनी पड़ती थी। मुक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि वो मुक फिल्में होती थी, उनमें किसी प्रकार का बोलना नहीं होता था, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। प्रकाश व्यवस्था भी काफ़ी करनी पड़ी, यानी रोशनी के कारण अंधेरे में तो फिल्म बनना था ही नहीं। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को दिए तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। आलम आरा फिल्म जो थी वो अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, यानी कि उसके अंदर पूरी तरीके से रोमांचक मूवी थी, पूरी तरीके से रोमांच भरा हुआ था। यानी जो जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी फिल्म देखने में काफ़ी मज़ा आए। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। फिल्म में भाषा का कौन सा इस्तेमाल किया गया? हिंदुस्तानी। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जे जुबेदा थी। जुबेदा नायिका कह सकते हैं हम, जो फिल्म में जो हीरोइन थी। नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनके जगह महबूब को नायक बना दिया गया। क्योंकि विठल की उर्दू काफ़ी कमज़ोर थी, तो इसी कमी के कारण उनको नायक से हटाकर, यानी उनको हीरो का रोल नहीं देकर किसे दिया गया? महबूब को। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अब भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक जो हीरो है वो वही बने। कौन? विठल। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। इंस्टंट यानी कि अलग अलग तरह के अपने करतब दिखाने वाले। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। अब हम सभी को पता है कि भारत की पहली फिल्म है वो, जो कि 1931 को रिलीज़ हुई है, तो लोगों को फिल्म देखने का बहुत ही, मतलब एक तरह से उत्साह था कि हमें भी ये फिल्म देखनी ही देखनी। पहली बार भारत में मूवी आई है, फिल्म आई है, और उसे देखना लोगों के लिए था कि कैसी होती है फिल्म, कैसे बनती है, किस प्रकार से बोला जाता है, हीरो हीरोइन कैसे अपना कार्य करते हैं, तो ये सब लोगों को उत्साह बढ़ा रहा था। तो इस प्रकार से इतनी भीड़ उमड़ती थी, 8 सप्ताह तक हाउसफुल रहता था, जिस प्रकार भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस वालों का भी नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अब जो सवाक फिल्में थी, जो आपस में बोलने वाली जो मूवियाँ थी, फिल्में थी, उनमें ये सारे कैरेक्टर लिए गए थे, ये सारे शीर्षक भी लिए गए, पौराणिक कथाएं ली गई, पारसी रंगमंच के नाटक लिए गए, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी, जो समाज से संबंध रखने वाली मूवियाँ हैं, जो रिलेटेड रखती सोसाइटी से, वो भी फिल्में बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुद की शान। अब जब आलम आरा मूवी रिलीज़ होती है तो उसके बाद में एक मूवी और आती है खुद की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब क्या होता है, इसमें जो एक किरदार होता है वो महात्मा गांधी जैसा ही होता है, और इसके कारण जो सवाक
सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम में था और उस वक्त ये फिल्में बन रही थी। समाज सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिका इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। अब क्या होता है कि आलम आरा फिल्म को जब 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उनके जो निर्देशक है अर्देशिका उनको सम्मानित किया जाता है 25 वर्ष पूरे होने पर। तो उस मौके पर वे कहते हैं, उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। यानी उन्हें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था कि सबसे पहली फिल्म भारत में लाने वाला मैं ही एक आदमी हूँ जिसने फिल्मों की शुरुआत करी है, ऐसा कुछ उनमें अहंकार भी नहीं था। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमको चेंज तो लाना ही पड़ता है। अब आलम आरा के बाद खुद की शान एक फिल्म आई थी, उसके अंदर भी वो मूक फिल्म थी, मतलब उसके अंदर संवादों का इतना रोल नहीं था। अब अगर ज़्यादातर फिल्में ऐसे ही बनती तो लोगों का उत्साह पूरी तरीके से ख़त्म होने लगता। तो इसीलिए क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी, और सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, संवाद भी उसके अंदर बोलने थे, यानी डायलॉग भी बोलने होते थे। तो अब जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे फिल्मों में नया बदलाव आता गया। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। यानी उस अब जो गीत आने लगे थे, गीत संगीत फिल्मों के माध्यम से ही आने लगे थे और अब उसकी भी वैल्यू होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर के फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अब जैसे जैसे संगीत का महत्व बढ़ा, गानों का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे हिंदू और उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ देसी रूप धारण किया हुआ था उसने, अभी अंग्रेज़ों का नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती थी। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे फिल्मों में विस्तार होने लगा, लोग उत्साह के साथ देखने लगे और वैसे ही इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा खिताब हासिल होने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। और फिल्मों से ही सब देखने को मिलता है, जैसे जैसे सेलिब्रिटी अपने आप में बदलाव करते हैं, अपने कपड़ों में बदलाव करते हैं, पहनावे में बदलाव करते हैं, अपने हेयर स्टाइल में बदलाव करते हैं, तो वैसे वैसे ही हमारा जो ये जो हमारी जनता है वो उनको देख कर सीखती है। तो माधुरी नाम की फिल्म थी, उस समय आई थी, तो उसके अंदर नायिका जो हीरोइन थी वो थी सुलोचना, और उस समय उसकी हेयर स्टाइल बहुत प्रसिद्ध हुई थी और उस दौर की सभी औरतें वैसे हेयर स्टाइल बनाती थी। जैसे आपने सुना भी होगा कि साधना हेयर कट चला था पहले, जो भी औरतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। ईरान से भी लोग आकर वहाँ पर अपना अभिनय देते थे। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। क्या हुआ, भारतीय सिनेमा के तो जनक थे जिनका नाम था फाल्के, फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक जो थे अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो फाल्के के बाद सिनेमा में जिसका जनक माना जाता है वो है अर्देशिर ईरानी। अर्देशिर ईरानी ने पहली जो मूक फिल्में थी वो फाल्के बनाते थे, लेकिन अर्देशिर ईरानी ने पहली बोलने वाली फिल्म का शुरुआत की थी जिसका नाम था आलम आरा। तो इसी से ही हमारे भारत में सिनेमा की शुरुआत होती है। तो पाठ का शीर्षक यही है, का शीर्षक भी यही है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे सिनेमा में किस प्रकार से पहली फिल्म की शुरुआत होती है और उस प्रकार से सिनेमा किस प्रकार से विस्तार करता है, एक नया रूप धारण करता है। और आज आप आधुनिक युग में देख सकते हैं 1931 से 2020 आ चुका है, तो लगभग हमारे सिनेमा को चलते हुए 90 साल हो चुके हैं। तो इन 90 सालों के अंतर्गत हमने सिनेमा में बहुत बहुत बड़ा बदलाव देखा है और इसी प्रकार आगे भी ये फिल्म सिनेमा जो फिल्म सिटी है वो आगे चलती रहे। धन्यवाद।